नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कौन से देशों में ये जो ओमिक्रॉन, जी हाँ, ये वायरस फैला है, सबसे पहले कौन से देश में आया था, उसने क्या कदम उठाया, उन देशों के देखा देखिए कितने देशों में अब तक फैल चुका है और कितनी तेजी से ये फैल रहा है। सोचने की बात ये है कितने देशों ने कितने देशों को बैन कर दिया, पूरी हम डिटेल से जानेंगे। आगे और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सख्त नियम बना दिए हैं, तो भाई इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो बाहर जाना चाहती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है और नित रोज नए अपडेट आने वाले हैं क्योंकि ये नया वायरस आ चुका है। तो भैया नए नियम, नए अपडेट, नई जानकारी कम कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, पता नहीं कितने कैसे किस तरह से अपडेट आने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी आपको पता है साथियों, एक अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में एक केस पाया गया था जिसको ओमिक्रॉन केस, इसको कोरोना वायरस को नाम दिया गया है, जो पिछले जितने भी वायरस आए थे उससे ज्यादा खतरनाक इसको बताया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से एक यात्री इजराइल पहुंचा था, एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ तो पता चला कि ओमिक्रॉन वायरस उसमें पाया गया है। सबसे पहले इजराइल में यह केस पाया गया है और सबसे खतरनाक इसको बताया गया है। जी हाँ, 10 दिसंबर तक हालांकि सब क्लियर हो जाएगा कि यह वायरस कितना खतरनाक है, इस पर टीका कितना असर करता है नहीं करता है, पूरी डिटेल 10 दिसंबर से पहले पहले हमें मिल जाएगी। हालांकि इजराइल ने 14 दिन के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जितने भी देश हैं, 7 से 8 देश हैं, उन सबको बैन कर दिया है। जी हाँ, देखिए इसराइल के अलावा ओमिक्रॉन के दक्षिणी अफ्रीका में मामले तेजी से बढ़े, आप सबको पता है लगभग अभी 1.5 दर्जन यानी 12-13 देशों के करीब अभी तक 100 से प्लस केस पाए गए हैं और कितने जल्दी हुआ है, 7 से 8 दिन में 100 केस हो गए हैं। तो भैया 100 से सीधे 1000, 1000 से सीधे 1 लाख, 1 लाख से सीधे 1 करोड़, इस तरह से यह वायरस बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 2 सालों से दंश झेल रहे थे, अभी अच्छी उम्मीद थी कि 2022 में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह प्रॉब्लम वापस दोबारा खड़ी होने वाली हो सकती है। जी हाँ, हालांकि देखिए बात करें तो जो जितने दो देश थे, जो 6 देश लगभग अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के हैं जिसमें तेजी से वायरस बढ़ रहा है, उनको सब ने देशों ने बैन कर दिया है। बैन करने वालों की अगर स्टार्टिंग में बात करें तो इसराइल ने 14 दिन के लिए अस्थायी बैन लगा दिया था, इसके बाद में बता दूं इटली ने भी बैन लगा दिया, नीदरलैंड ने बैन लगा दिया, जी हाँ ब्राजील ने भी बैन लगा दिया, अमेरिका, यूके, सऊदी, ईरान, श्रीलंका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जी हाँ इन देशों ने भी सही बात साथियों लगा, लगभग 16 देश हैं जिन्होंने इन देशों पे बैन लगा दिया, इनकी फ्लाइटें वहाँ पर नहीं जा सकती है, अस्थायी तौर से बैन लगाया। अब आगे उसकी क्या अपडेट आती है वो आगे आने वाले समय पर पता लगेगा, लेकिन मान सकते हैं कि 15 दिसंबर तो ये फ्लाइटें बंद रहने वाली हैं। जी हाँ, हालांकि जिन देशों में देखिए लगभग बता दूँ 12-13 देशों में ये मिल चुके हैं, जिसमें बता दूं दक्षिणी अफ्रीका फर्स्ट में है, हांगकांग, इजराइल, बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम में, इन में देशों में भी ये एक एक दो दो आंकड़े पहुंच चुके हैं। जी जापान ने भी अपना इसको देखते हुए, जापान में हालांकि ये वायरस नहीं पहुंचा है लेकिन उन्होंने पहले से ही सख्ती बरत दी है, 10 दिन क्वारंटाइन अगर जापान में इन देशों से जाते हैं तो उनको होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी भैया सख्ताई बरत दी है, 10 दिन सख्त नियम उन्होंने बना दिया। जी हाँ, 4 दिन में 9 देशों में आंकड़े पहुंच गए, सोचने की बात है यार, मात्र 4 दिन में देशों में। दक्षिणी अफ्रीका में 77, जी हाँ, ये ओमिक्रॉन वायरस से लोग पीड़ित हो चुके हैं, बोत्सवाना में 4, हांगकांग में 2, इजराइल में 1, इटली में 1, जी जर्मनी में 2, ब्रिटेन में 2, जी बेल्जियम में 1, चेक रिपब्लिक में भी 1, ये जो 9 देश हैं 4 दिनों में इन देशों में लगभग 91 लोग हैं इसमें ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी नए अपडेट आने वाले हैं, ये स्थिति है, अभी शुरुआत हुई है, देखते हैं 15 दिसंबर तक क्या इसकी अपडेट आती है, इसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल का सीधा सीधा ऑप्शन है, फ्लाइटें बैन होंगी तो कंट्रोल होंगे भाई, वरना कंट्रोल होने के चांसेस नहीं है। आगे भी इसी रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।